कुछ लगता है चाहिए उनको। क्या हुआ? बोला ना मराठी जाने। हाँ हाँ काय काय आलं तुम्हाला? काय पाहिजे पण तुम्हाला, काय मदत करू शकतो? नाही नाही प्रॉब्लेम नाही असा, पण मदत आता काय काय करू शकतो आपण? खायचं काय, खायला काय खाल्लं ना तुम्ही? तुमच्याकडे पण आता आम्ही जस्ट हातात द्राक्ष आहेत आमच्याकडे, आता तरी द्राक्ष घ्या तुम्ही थोडंफार आता। आणि काय पेट्रोल तुम्ही भरलात का ना पुढे वगैरे? मग पर्स कुठे पडलं तुमचं? दोस्तों कैसे आप लोग, जय हिंद जय महाराष्ट्र जय शिवराय। और मतलब बोलते हैं ना, आज का वीडियो आप जो देख रहे हो अभी, आपने जो स्टार्टिंग देखा वो, मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ बिकॉज ऑफ टाइम भी मेरे पास कम है, क्योंकि वीडियो मुझे बड़ा नहीं करने का ज़्यादा, सिर्फ मुझे ये पीछे वीडियो बनाने के पीछे एक मोटिव है मेरा। मतलब एक्चुअली आपको थंबनेल देख के पता चल गया रहेगा और स्टार्टिंग का वीडियो देख के पता चल गया रहेगा कि वीडियो किसके रिलेटेड है। तो मैं सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ कि हम लोग जब सूरत से आ रहे थे रिटर्न मुंबई, तो ऐसा हुआ कि लाइक मतलब हम लोग आ रहे थे बीच में, तो उन लोग ने हम लोग को जो फैमिली दिख रही है, दो फैमिली एक्चुअली, तो पहले फैमिली हम लोग को हाथ किया कि लाइक हम लोग का पर्स गिर गया है, हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग का एक बच्चा और वो जो दीदी थी, जो ताई थी, वो भी प्रेग्नेंट थी, तो हम लोग को मतलब बोला, हम लोग सोचे कि यार प्रेग्नेंट लेडीज़ है किधर इतना, मतलब अकेले धूप में और बच्चा भी है साथ में, तो कुछ खाया भी नहीं उसने, तो हम लोग ने सोचा हेल्प करते। पर सडनली हम लोग उनकी हेल्प मतलब कैश, हम लोग कैशलेस थे, पूरे कैशलेस थे, बिकॉज ऑफ उसके पहले थोड़ी देर पहले हम लोग ने थोड़ा नाश्ता विश्ता किया था, तो उसमें हम लोग का पूरा कैश खत्म हो गया था, और गुजरात में हम लोग को ATM मिला ही नहीं था, तो प्रॉब्लम हो गया था बहुत। इसलिए हम लोग को एक सीख मिली कि हमेशा ऑनलाइन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि कैश रखिए अपने साथ, कभी किधर ज़रूरत लग जाए पता नहीं। तो हम लोग जब गए उधर, मतलब तो हम लोग हेल्प करने वाले थे कि लाइक गूगल पे कैसे तो करके किधर से तो अरेंज हो सके, बट सडनली वो जो आया बंदा बाइक से, आपने जो देख, आप आगे देखोगे कि सडनली बाइक से बंदा आता है एक, और वो बोलते हैं कि अरे आगे भी एक है जो ऐसी बात कर रहे कि हम लोग का पर्स गिर गया है ये वो, तो वही बात है। तो मैं बोला भाई क्या मतलब ये, मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब एक पल के शांत हो गया कि अरे यार मतलब कुछ अलग ही लग रहा है ये शॉट इनका। तो मतलब बोलते ना कि अभी वो बंदा देखो आप क्या बोला लाइक, तो मतलब आपको समझेगा, और आगे भी उनका एक भाई है जो अभी फैमिली है, उनका भी एक भाई है, और उन लोग पावागढ़ जा रहे, पावागढ़ लाइक ऐसे ही कुछ है, पावागढ़ जा रहे हैं, तो उधर जा रहे, तो उनका गांव का नाम आप सुनिए वीडियो में किधर से आए वो, तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए और आप मुझे बताइए क्या गलत है और क्या सही है, आप मुझे बताइए। तो पूरा पहले वीडियो देखिए आप, उसके बाद आप बताइए आपका डिसीजन, मतलब आप क्या सोच रहे हैं ये फैमिली के बारे में, ये सच्ची या झूठी है। तो पहले आप वीडियो देखिए। आमच्याकडे पण कॅश आम्ही ऑनलाईन करतो, आमच्याकडे पण कॅश आता असं काय नाही, म्हणून तर आम्हाला पैसे द्यायला काय प्रॉब्लेम होतं, पण आमच्याकडे असा मोबाईलने आम्ही देतो ना, आपण गुगल पे करतो ना गुगल पे, तसं आहे। आता आमच्याकडे आम्ही पॉकेट घेऊन नाही फिरत, आमचं असं पडताच भेटतो आम्ही पॉकेट नाही घेऊन फिरत, प्रॉब्लेम आहे ते चालतंय काय नक्की का, आता कशी काय मदत करू शकतो आम्ही पण इथे ओळखत नाही कुणाला, त्याला भरवा जरा, भूक लागली असेल तर भरवून टाका त्याला,
ना अहो असं काय ना, आम्हाला मदत करायला काय प्रॉब्लेम, आम्ही म्हणून आलो ना मागे, आम्हाला मदत करायची म्हणून तर मागे आलो तुमच्यासाठी. नाही नाही असं काय नाही, प्रॉब्लेम नाही, फक्त आम्हाला कसं आमच्याकडे आता कॅश नाही. आम्ही पण आता तिकडे होतो ना, आमच्या जेवढे होते ना त्यामुळे तिकडे अंडा भाव. तुम्ही सुरतचा पत्ता विचारत होता ना कोणता तरी, कोणता सुरतला जायचा तुम्ही पत्ता विचारत ना, तिकडे तिकडे बघितलं असेल आम्हाला तुम्ही. तिकडेच आम्ही आता जस्ट खाल्लं. अरे इनका ॲक्च्युली पर्स गिर गया और इनके पास अभी कॅश नाही आहे और हम लोग ॲक्च्युली रुके थे हेल्प करने के लिए, बट हम लोग ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन हम लोग का गूगल आहे, गूगल पे, तो अभी भूख लगा था तो अभी जो था हम लोग ने दे दिया हम लोग के पास. अभी दो लोग खड़े थे. हाँ क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आगे उनको पैसा दिया हमने. वो क्या बोले आपको? पावागढ़ जा रहे और क्या पेट्रोल खत्म तो पॉकेट गिर गया बोले क्या? वो उसके पत्नी का उनका पॉकेट गिरा, उनके बेबी का. मैं तुम्हें बोलते हैं बायकोचा पॉकेट पडले तुमच्या बायकोजवळ पैसे होते सर्वे. नाही ना तसं बोलत नाही, आता तुम्ही काय बोललात की तुमच्या बायकोचा आणि ती लोक त्यांच्या बायकोचा. एक काम कर, मग तुम्ही सोबतच जा, सोबतच जावा. मग असं जर ते हे मदत करत असेल मग दोस्तों अभी जो आपने लड़का देखा जो वीडियो में अभी जो आया बाइक से, जो आपको मैंने बोला था पहले भी, तो वो बंदे ने उनकी जो पीछे उनका मतलब भाई था उनको 100 रुपये ऑलरेडी दे चुका था जो पेट्रोल डालने के लिए. तो मैं बोला, मुझे लगा, मुझे पता नहीं था कि उनका मतलब बोलते ना कि उनका भी छोटा लड़का है, तो मैं इनको ऐसे बोलता हूँ लाइक कि आप इनको पैसा दे दो वो उनसे लाके, तो बोलते अरे उनका भी छोटा लड़का है ऐसा वैसा. तो हम लोग अभी इधर फुल कंफ्यूज है कि हम लोग क्या करें, मतलब बिकॉज अब ये फंस गए, या अभी फ्रॉड है या सच है या हमको खुद को नहीं पता, पर हम लोग एक बोलते ना इंसानियत के नाते हम लोग हेल्प करने के लिए सब. और थैंक्स टू गुजरात जो अभी मतलब पब्लिक है उधर के, मतलब जिन्होंने भी हेल्प की उनकी मतलब सच में थैंक यू, कि मतलब वो भी रुके सब देख रहे थे मतलब क्या हो रहा है, ऐसे नहीं क्या कि भाई हमारे मतलब ना स्टेट के नहीं तो हम लोग इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे लाइक. तो देखो आगे आप, फिर हम लोग डायरेक्टली उधर जाते हैं, मतलब उधर जो इनके भाई है खड़ा उधर जाते हैं. तो आगे आप देखिए. नहीं एक्चुअली क्या हुआ, वो भी मुझे बोले कि उनका पेट्रोल खत्म हो गया. ये भी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया है. वही इनके भाई कौन से है फिर? हे कुठे निघाला तुम्ही? मी इकडे पावागडला चाललो होतो दादा दर्शनासाठी, तर वरून जरा परस होती पडली पाय आमच्या. यांच्याकडे होती की त्यांच्याकडे होती? मग सगळ्यांचे पैसे एकातच कसे होते? एकाच परिवार ठेवून मग असे तुमच्या चुकी एकाच पॉकेटात कशा तुम्ही ठेवायचे तुम्हाला? माझं पेट्रोल तुमच्या गाडीत नाही, नक्की पडलं कुठे तुमचं पॉकेट? नाही ना माझं पेट्रोल, मग तुमचं पेट्रोल कुठपासून कमी होतं? हा मराठी नाही तर हिंदी, हिंदीमध्ये बोला.
मराठी इथं कसं समजणार सगळ्यांना? मग ते 90 रुपये म्हणजे कसं झालं तुम्ही? घरी लावला फोन, पण आमचा मोठा भाऊ जाय रे सासरवाडीला, इनका गाव 400 किलोमीटर आहे. इनका गाव आहे ना, इनका गाव 400 किलोमीटर आहे. और तो 90 में वही बोला कि 90 रुपए अभी डालोगे आप, आगे क्या करोगे? पावागढ़ जाने वाले सब बोल रहे हैं. पावागढ़ कितना? पावागढ़ सुलझाने की बात नहीं. क्या कहते हो वो भाई? चैनल पे ना सुलझाने की बात नहीं है भाई. एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है कि हम लोग के पास भी कैश नहीं रखते, हम लोग ऑनलाइन करते सब. जितना कैश हम लोग ने निकाला था ना, अभी हम लोग ने आगे खा लिया, इसलिए हम लोग रुका है. क्यों? तो कुछ हेल्प लग जाए तो हम लोग देख सकते हैं. हम लोग खाने के लिए था तो उसको छोटे को दे दिया हम लोग ने, पर अभी हम लोग भी ऐसा मतलब ना ऑनलाइन नहीं है तो हम लोग गूगल पे भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है. कुछ प्रॉब्लम ये हो गया है तो हम लोग जस्ट रुके ऐसे कि क्या हो गया प्रॉब्लम देखते. हाँ वही वही सूरत अभी जाने वाले थे. 50-60 किलोमीटर ते बोलतात की पोलीस स्टेशन आहे ना, ते लोक तिथे तुम्ही गेला तर तुम्हाला हेल्प भेटेल काहीतरी. घरचं नाही बोलत आहे ते लोक, ते लोक पुढे पोलीस स्टेशन आहे तर तुम्ही तिकडे गेलात ना आता तर तुम्हाला काहीतरी हेल्प भेटू शकते. एक काम करा आता फक्त ना, एक काम करा तुम्ही बाईक घेऊन तिकडे. पोलीस स्टेशन किती किलोमीटर आहे ते? 6-7 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर आहे इथून. तिकडे जावा तुम्ही पोलीस स्टेशनमध्ये, तिकडे जाणं काय बोला फक्त मराठी असेल तिकडे, महाराष्ट्र नाही तिकडे. तिथे बोला की बघा दादा आमचं असं असं पॉकेट वगैरे पडलं आहे तर आम्हाला आता काही जायला मार्ग नाही असं, तर आमची जरा हेल्प करू शकाल तर तुम्ही करा. कारण बघा आता इथे कसं ना आमच्या ओळखीचे तर कोण नाही, बरोबर ना? आता आमच्याकडनं जेवढी मदत होऊ शकते आम्ही तेवढी करू शकतो. हा मग आम्ही पण नाही ना तेच महाराष्ट्राचे मुंबईचे. बिकॉज बघा पैसे मदत करायला काय प्रॉब्लेम, फक्त आमच्याकडे आता कॅश नाही, नाही तर आम्ही थांबलो नसतो. तुम्हाला मी 10 वेळा एकच बोलेन. जातो महाराष्ट्रात इथून कोणाच्या कोणा पाया पडतो, 2-3 दिवस त्यांच्या काम करतो, घरी जातो. आता एक जरा आमचा दुसरा इलाज नाही आता. एक काम करा तुम्ही, का पाय हे काम बीम करायची काय गरज नाही, पोलीस स्टेशनला जावा. पोलीस स्टेशन तुम्हाला सर्व ते लोक त्यांच्याकडे तुम्ही फोन ते फोन करतील आणि ते लोक तुम्हाला मदत करून देतील, किंवा ते लोक तुम्हाला पेट्रोल देतील. अहो मराठी पोलीस आहेत काका दादा, पोलीस पोलीस असतात. हे बरोबर बोलेत, हे मदत काय फक्त पोलीस स्टेशन मध्ये ते लोक तुमची चांगली मदत करू शकतात. आता हा ते लोक हेल्प करतील, असं काय नाही. पोलिसांचं काम आहे तुमची मदत करणं, ते करतील. ठीक आहे, तुम्ही आता असं बघू नका की काय होणार नाही, जावा आता तुम्ही पण. कारण कसं नाही तर परत उशीर होईल, पोलीस स्टेशन वगैरे म्हणजे असतात ना. दोस्तों फाइनली अभी आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो में इसलिए डाला पहली बात तो कि आपको समझ सके, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हूँ पूरा. आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा, अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो देखिए, आप समझ लीजिए. मैं नहीं चाहता, मुझे व्यू नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा व्यू का मोटिव है, कि आप पहले वीडियो देखिए. और मुझे मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ऐसी हालत में आप क्या करते, कि ये फ्रॉड है या नहीं, या आपको आप क्या करते? मुझे तो पता नहीं है, बट मैंने एक इंसानियत के हिसाब से उनकी मदद हेल्प की. और मतलब बोलते ना, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इसमें क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप अगर किधर भी रुक रहे हो किसके लिए, तो इमोशनल में आके आप कुछ गलत कदम मत उठाओ, ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको. मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कदम उठाया इसमें, बस उनकी हेल्प करना चाहा, पर ये अपना वो स्टेट नहीं था. तो इसलिए मैं बोलते हैं ना, मतलब कि
कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया और हम लोग का कैश का बहुत प्रॉब्लम था दोस्तों, तो इससे मैं सबक भी मिल गया एक बार बार बोलूँगा यही कि कैश यूज़ करो। और दोस्तों वही कि चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मुझे कमेंट में बताइए कि इन लोग फ्रॉड थे या सच में हेल्प चाहिए थी या क्या। मैं तो कन्फ्यूज़ हूँ अभी तक कि भाई क्या हो गया। तो ये वीडियो डालने के पीछे यही मेरा मोटिव था कि हर एक तक मेरा बात पहुँचे। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और आगे जो होली है तो हम लोग शिमगा जो कोकण में बहुत फेमस है उसका भी ब्लॉग आने वाला है, तो मचाने वाले जल्दी है उसका भी ब्लॉग आएगा। तो दोस्तों प्लीज़ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं हो तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।